हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम लोग लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे पता चल जाएगा कि कितने लोग चैनल से जुड़े हैं जो कि लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप नापने हेतु थर्मामीटर जो यूज़ किया जाता है वह कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सकल रेडिएशन थर्मामीटर। और ये किस नियम पर वर्क करता है आपको ये भी याद रखना है। तो ये जिस नियम पर कार्य करता है वो है स्टेफिन के नियम से। स्टेफिन के नियम पर ये थर्मामीटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिला करके आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। सूची एक में क्या दिया हुआ है? कुछ आपके इसमें यूनिट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि ये किस लिए यूज़ की जाती है। तो पहला दिया है क्यूसेक, ठीक है, दूसरा दिया है बाइट, तीसरा दिया है रिएक्टर और चौथा दिया है बार। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसमें जो है पहले का होगा प्रवाह की दर, क्यूसेक से हम लोग क्या नापते हैं, प्रवाह की दर, और उसके बाद बाइट, ये कंप्यूटर की यूनिट होती है। तीसरा दिया है रिएक्टर, तो ये होता है भूकंप यानी जो अर्थक्वेक होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता नापी जाती है, और बार से नापा जाता है दाब यानी कि प्रेशर। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय खंडन, ठीक है। नाभिकीय खंडन जो है ये एटम बम का सिद्धांत होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? तो ये होती है ऊर्जा की, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, विशाखापत्तनम, गोवा, श्रीहरिकोटा या चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? आसान प्रश्न है ये, तो ये होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, मेन ओर बॉक्साइट होता है, और भी ओर होते हैं बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मेन होता है वो होता है बॉक्साइट। एजी होता है इसका सिंबल, चांदी का, याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश क्या करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्फीसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फुसफुस यानी कि फेफड़े, ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए, जो कच्चा फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, और एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। नाम याद रख लीजिएगा, किसने प्रमाणित किया था हार्मोन्स के रूप में? बर्ग, BURG। कब किया था? 1862 में प्रमाणित किया था। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है टिटनेस, ठीक है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में यानी कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड,
जिसको हम लोग CO से भी डिनोट करते हैं, और यह गैस शरीर के जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है उसको घटा करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। इससे श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आसान प्रश्न है, तो ये होता है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से हो जाती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, और ये होगा आपका जिंक। जिंक यानी कि ZN की कमी से मक्का में सफ़ेद कली की जो तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? और ये स्थित है आपका देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और यहाँ पर स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। श्रीहरिकोटा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन। और अगर बात की जाए अहमदाबाद की, तो गुजरात का सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। और गुजरात के सब की कैपिटल क्या है? या गांधीनगर, याद रख लीजिएगा, अहमदाबाद से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? ये है लेड, PB इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा, लेड हो जाएगा सही आंसर। देखिए, जो पेट्रोल चलित वाहन होते हैं उनके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड मौजूद होते हैं, और लेड एक वायु प्रदूषक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसे? तो ये प्रयोग होता है सिस्मोग्राफ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था कौन सा? तो ये था लोथल। आसान प्रश्न है, लोथल। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद सत्र की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1, 2, 3। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की थी? और जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो भी थे मोहम्मद अली जिन्ना, और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस क्वेश्चन का सही आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन बी 1940, और याद रखिएगा 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यू यॉर्क में। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? कई बार एक प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, तो इनके लेखक हैं R.K. नारायण। क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया, किसके माध्यम से किया था? तो ये किया था भारत सरकार के अधिनियम 1935। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
अभिनव भारत संस्था का गठन किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और ये किया था वीर सवारकर ने, वीडी सवारकर भी है इनका नाम, विनायक दामोदर सवारकर, अभिनव भारत, ऑप्शन सी है सही आंसर। श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे। इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है 5, जिसमें से ये नाम आते हैं आपके रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, और श्रीनगर जिस नदी के किनारे स्थित है वो है झेलम। मगध साम्राज्य में मौर्यों के बाद किस वंश का शासन हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुंग, ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। महावीर तथा बुद्ध दोनों का समकालीन शासक था कौन? ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री क्वेश्चन है, कई बार गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, तो ये थे बिंबिसार। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आसान प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और ये है गुजरात। अभी मैंने बताया था गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ी सिटी है अहमदाबाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम लोअर पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें ताकि पता चल जाएगा कौन लोअर पीसेस के एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर चैनल से जुड़े हुए हैं, और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें जो लोअर पीसेस और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।